इसी कलकत्ता में श्री प्रभुपाद की पढ़ाई हुई। उन दिनों उनका नाम अभय था, वे कॉलेज में पढ़ते थे और उन दिनों गांधी जी का सत्याग्रह चरम सीमा पर था, बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पर गांधी जी पहुंच चुके थे। उनका सत्याग्रह जोर शोर से चल रहा था और उन दिनों अभय, अभय माने श्री प्रभुपाद, उस गांधी जी के मिशन में थे। खादी पहनना, सत्याग्रह करना, कैसे भी करके ब्रिटिशर्स का जो शासन है उससे भारत को मुक्त कराना। एक दिन कॉलेज समाप्त करके अभय का एक मित्र जिसका नाम था नरेन, क्या नाम था? नरेन। नरेन ने कहा कि अभय, मैंने देखा है, मैंने सुना है कि यहां पर बगल में बाजू में एक बहुत बड़े संत आए हैं, सो मेरी इच्छा है कि हम और आप दोनों उस संत से मिलने जाए। अभय ने कहा, ऐसे बहुत सारे संतों को देखा है, दिन को कुछ रात को कुछ, तुम्हें जाना जाओ, मैं नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें साथ में लेकर ही जाऊंगा। बोले मैं नहीं आऊंगा। बार बार मना करने पर वो जो मित्र नरेन था वो अभय का हाथ पकड़कर घसीट कर सिग्नल पर खड़े थे, लोग भी देख रहे थे ये दोनों क्या कर रहे हैं। बोले मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। और जब बार बार नरेन ने कहा तो इसी कलकत्ता में सिम्म गुरु भक्तिनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए थे और अभय को भक्ति सिद्धांत महाराज के पास लेकर गए। सिम्म जैसी ख्याति थी, कई सारे शिष्य बैठे थे, नरेन और अभय गए, प्रणाम किए। प्रणाम करते ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप लोग जवान हो और इस जवानी में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत का प्रचार क्यों नहीं करते? मानो पूरे भारत की ओर से प्रभुपाद अभय ने भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा कि महाराज फिलहाल कृष्ण भावना की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमारे देश को आजाद करने की जरूरत है। यह केवल अभय का प्रश्न नहीं, पूरे भारत का प्रश्न था उस साधु को। परंतु भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण भावना अमृत किसी की राह नहीं देख सकते। और एक बात समझ लो, आज देश आजाद नहीं है और कल मानो देश आजाद हो भी जाए, लेकिन जब तक हमारा मन स्वतंत्र आजाद नहीं होगा, हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि जब तक आजाद नहीं होगी, तब तक देश को स्वतंत्रता मिलने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक हमारी इंद्रियां, मन, हम इन सब के बंधन में है, उससे मुक्त नहीं होंगे तो देश मुक्त होने से क्या लाभ? नहीं, देखते कई बार भागवत में लिखा है, अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलयेदतो दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को चार जगह पर स्थान दिया जिसे अधर्म का स्थान कहते हैं, उनमें से एक स्थान है चाय और कॉफी। जो लोग चाय कॉफी पीते हैं वो कभी धर्म नहीं कर सकते, चाय कॉफी पीने वाले अपने आप को धार्मिक नहीं कह सकते। आप लोग पीजिएगा जितना पीना है उतना, मैं तो बोलने के लिए बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन जब हम कहते हैं कि यदि धर्म करना है, धर्म पर अड़ग रहना है, भागवत धर्म का पालन करना है, तो चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तो कुछ लोग कहते देखो महाराज सब कुछ होगा, चाय नहीं छूटेगी, कॉफी नहीं छूटेगी, और कुछ भी बोल दीजिए आप, क्योंकि चाय छोड़ते ना तो सिर दर्द होता है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि एक चाय ने हमको बांध लिया, हमको बाउंडेज कर दिया, हमको बंधन में ले लिया जिसे हम छोड़ नहीं सकते। सो अंग्रेज को तो हमने निकाल दिया लेकिन अंग्रेज की चाय को हम नहीं निकाल पाए हैं।
अभी भी रोज सुबह उठकर अंग्रेजों की दी हुई चाय हम लोग पीते हैं। ये चाय भारत का पेय है ही नहीं। आज से 50, 60 या 100 साल पहले हमारे देश में चाय नहीं थी, कॉफी नहीं थी। कभी आपने अपने दादा परदादा से कभी पूछिएगा, सुनिएगा कि कोई चाय पीता था? अरे ये छोड़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कभी आपने सुना कि सुबह सुबह कृष्ण गैया चराने के लिए गए और भोजन स्थली पर पहुंच पर कहा कि जरा दो कटिंग लेकर आओ, दो कटिंग चाय लेकर, कि कृष्ण ने ऑर्डर दिया? ऐसा कभी सुना? दूध खाते, दही खाते, माखन खाते? या फिर रामायण में कभी सुना, प्रात काल उठ के रघुनाथा, रघुनाथ भगवान रामचंद्र प्रात काल उठे और उठकर माँ कौशल्या को कहा, माँ जरा चाय बना दो? कभी नहीं। ये अंग्रेजों की देन है, अंग्रेज देकर वो चले गए, लेकिन अभी भी हम लोग उनके हाथों में बंधे हुए हैं। ये बात भक्ति सिद्धांत महाराज ने कही थी कि देश तो स्वतंत्र होगा ही, होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आत्मा को इस इंद्रियों के बंधन से स्वतंत्र करना होगा। मन का बंधन है, बुद्धि का बंधन है, इन सब के बंधन से आत्मा को मुक्त करना होगा। और इसलिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार अत्यंत आवश्यक है। प्रथम मीटिंग वहां से अभी बाहर निकले, कभी हिंदी में, कभी बंगला में, कभी इंग्लिश में प्रभावशाली व्यक्ति को देखा और मन में ठान लिया कि जीवन में यदि गुरु बनाऊंगा तो इसी महात्मा को गुरु बनाऊंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी, ये तीन भक्ति 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 यहां हुई, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत और भक्ति वेदांत, लेकिन इन तीनों ने मिलकर पूरे दुनिया का नक्शा पलट दिया।